गुड इवनिंग दोस्तों, आई होप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ पर्सन। पर्सन जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, एंड सेकंड पर्सन में यू, एंड थर्ड पर्सन में शी, ही, इट, नेम, दे, माई फ्रेंड एक्सेट्रा। उसके बाद है नंबर्स। नंबर्स मतलब जैसे एक वचन, बहुवचन, इस तरह से होता है। तो इसमें इंग्लिश में हम कहते हैं इसको सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। ठीक है, तो आई सिंगुलर नंबर में क्या क्या आता है? आई, यू, शी, ही, इट, ब्रदर, एप्लीकेंट। उसके बाद प्लूरल नंबर में क्या आता है? वी, यू, दे, ब्रदर्स एंड एप्लीकेंट्स। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल, जैसे हम ये हमें ध्यान में रखना है कि आई इज ए सिंगुलर नंबर बट इट्स नॉट थर्ड पर्सन, एंड सेम एज दे इज थर्ड पर्सन बट नॉट ए सिंगुलर नंबर। सो वी विल नॉट पुट एस और ई एस विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम, माई फ्रेंड, माई ब्रदर, हिज ब्रदर, हिज सिस्टर, माई फादर, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, आई गो, ही गोज, आई राइट, ही राइट्स, वी सर्च, ही सर्चेस, दे प्ले, शी प्लेस। तो देखा आपने, आई गो, आई के साथ कोई ई एस नहीं लगा हुआ है गो के। तो आपने देखा आई के साथ गो, ही गोस, ई एस लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही सेम आई राइट, तो यहाँ शी राइट्स। ठीक है, तो ये इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम सीखते हैं नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, इसके रूल्स। रूल्स क्या है अपना? नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमने उसमें क्या किया था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। अभी ये नेगेटिव है तो इसमें डू और डज नॉट लगेगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव बन जाएगा, यानी नकारात्मक वाक्य। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट प्ले चेस, ही डज नॉट गो टू ऑफिस, दे डू नॉट राइट ए लेटर, इट्स डज नॉट रेन, वी डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, दीपक डज नॉट गो टू स्कूल, माई ब्रदर डज नॉट गो टू ऑफिस। देखा आप लोगों ने, सिंगुलर आई सिंगुलर है बट थर्ड पर्सन नहीं है, तो आई डू, आई के साथ डू लगता है। ठीक है, ऑलवेज आई डू नॉट। उसके बाद ही सिंगुलर है और इसमें थर्ड पर्सन में इसके साथ में डज नॉट लगा हुआ है। ठीक है, इसमें देख पहले हम लगाते थे जब जब वो सिंपल सेंटेंस बनाते थे जिसमें हम नॉट नहीं लगाते थे, तो उसको हम बनाते थे एस या ई एस जोड़ते थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। बट इसमें जब नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं इसका,
तो इसमें कोई डू डू या डज नॉट के अलावा इसमें किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस तरह से आप सीखिएगा, ठीक है, आप भी ट्राई कीजिएगा। अगले लेसन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप लोग जितना सीखते जाएंगे साथ के साथ मेरी भी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, और आशा करते हैं सभी अच्छा सीख रहे हैं, और आगे भी कंटिन्यू कीजिएगा। तो नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ, ठीक है। अभी हमने नेगेटिव सेंटेंस सीखे हैं इसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अभी हम सीखेंगे नेक्स्ट लेसन में इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब क्वेश्चन मार्क्स वाले। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।